की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि अगर आपके चैनल पर स्टार्टिंग में जीरो व्यूज आते हैं, मतलब कि 10-20 व्यूज भी नहीं आते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। 10 पॉइंट एक एक करके बताऊंगा। आप जाकर 50 चैनल चेक कर लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, और आपको जो आज 10 चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में ना, वो आपको 50 चैनल मिलाकर भी नहीं मिलेगी ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये स्ट्रेटजी तैयार की है मैंने खुद और आपके चैनल को ग्रो कराने के लिए आपके सामने प्रेजेंट करने का निर्णय लिया है। ये इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे एक मित्र ने, या फिर समझ सकते हो मेरे एक व्यूअर ने कमेंट करके कहा, सर मुझे बताइए कि मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर तो हो गए हैं लेकिन व्यूज बिल्कुल नहीं आते हैं। मैंने सोचा आपको इस पर वीडियो बनाकर बताया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रभाकर को। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यूज आपके चैनल पर इतने नहीं आते, आप मुझे क्यों बता रहे हो। मैं आपको यहां पर कुछ दिखाना चाहूंगा। देखो यहां पर एक घंटे में, अभी 1 घंटे 54 मिनट हुआ है, 268 व्यूज आ चुके हैं। ये कैसे आए, अचानक से कैसे आ गए, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। दोस्तों आपको सबसे पहला काम करना है कि आप 10-15 जीमेल आईडी बना लीजिए। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बना लो। घर वालों को बोल दो कि जितने भी मोबाइल हैं, जब वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले वीडियो देखना है। लेकिन उसके पहले एक काम करना है, जो वीडियो आपकी आएगी पहले बोलो उनसे YouTube पर सर्च करें, जो कीवर्ड आपने डाला है टाइटल, एकदम सेम टू सेम टाइटल डालकर सर्च करें बोलो। जब वो सर्च करेंगे आपकी वीडियो दिखेगी, लेकिन आपके नीचे वाली वीडियो उन्हें देखना है। 1-2 सेकंड तक उनकी वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपकी वीडियो को पूरी पूरी वॉच करना है, राइट, पूरी पूरी वॉच करना है अपनी वीडियो को, 2-4, 10-15, 20 जीमेल आईडी से अलग अलग तरीके से। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये SEO होता है। जब आप किसी की वीडियो देखते हैं कम सेकंड तक, अपनी वीडियो देखते हैं ज्यादा सेकंड तक, तो YouTube को लगता है कि इस वीडियो में दम नहीं है, और जिस वीडियो को फुल वॉच किया गया है इस वीडियो में दम है, इस वीडियो को ऊपर किया जाएगा। ये काम आपको अपने चैनल पर सबसे पहले करना है जब आप वीडियो अपलोड करेंगे। और आपको बता दूं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप अपने जीमेल आईडी से देख सकते हैं, लेकिन अगर चैनल मोनेटाइज है तो अपनी जीमेल आईडी से मत देखना, मतलब जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब अकाउंट है उस जीमेल आईडी से बिल्कुल भी अपनी वीडियो मत देखना। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, मेटा डाटा। अब आप सोच रहे होंगे सर मेटा डाटा क्या होता है। मेटा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके वीडियो को आगे पहुंचाने में। जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो वहां पर बहुत सारी वीडियो दिखती हैं, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल पहले दिखाता हूं कुछ यहां पर। तो यहां पर मैं आ चुका हूं यूट्यूब पर, और यहां मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूं, और यहां पर मैं सर्च करता हूं यूट्यूब पर व्यूज कैसे बढ़ाएं। ये मैं सर्च करता हूं YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाएं। यहां पर मैंने सर्च कर लिया है YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाएं। आप देख सकते हो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना, जो मैं मेटा डाटा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखो YouTube पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, ये मैंने जब लिखा ना तो यहां पर देखो ये हाईलाइट हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना नीचे, डिस्क्रिप्शन हाईलाइट हो रही है, ना कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन हाईलाइट हो रहा है। देखो यहां पर इन्होंने क्या लिख रखा है, न्यू चैनल में स्टार्टिंग में व्यूज कैसे लाएं, हाउ टू गेट व्यूज ऑन न्यू यूट्यूब चैनल। मैंने सर्च क्या किया, यूट्यूब पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, वीडियो किसकी आ रही है, इनकी वीडियो आ रही है, कैसे आ रही है, देखो यहां पर व्यूज कैसे, ये देख रहे हो व्यूज कैसे जो लिखा हुआ है, इस कीवर्ड को YouTube फाइंड कर रहा है, कैसे वर्ड को फाइंड कर रहा है। ये चीजें रैंक करती हैं, मतलब कि आपका डिस्क्रिप्शन में अपने टाइटल को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वीडियो के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना अगर आपको अपने चैनल पर व्यूज लाना है सर्च रैंकिंग के थ्रू, राइट। दोस्तों मेटा डाटा में आपका टाइटल आता है, जो कि आपको अपने वीडियो पर लिखना होता है। टाइटल होता है ये, यहां पर देखो जैसे कि इन्होंने वीडियो बनाया और इस वीडियो पर इन्होंने लिख रखा है स्टार्टिंग में न्यू चैनल पर व्यूज कैसे बढ़ाएं, ये होता है टाइटल। और टाइटल लिखते टाइम अगर थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश का मिक्सअप कर लोगे ना, मजा आ जाएगा, आपका चैनल मतलब रैंक करने लगेगा, ये गारंटी ले रहा हूं, ये ध्यान में रख लेना। टाइटल अच्छे से लगाना है। टाइटल के बाद आता है आपका टैग। टैग क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर मैं आपको अपने चैनल पर लेकर चलूंगा।
यहां पर मैं टैग कंटेंट पर ओपन करूंगा। यहां पर मैंने कंटेंट वाले चैनल ओपन कर दिया अपना वीडियो, और अब इसके बाद डिटेल पर क्लिक करता हूं। यहां पर डिटेल पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आ जाओ, आपको दिखाता हूं। यहां पर ये होते हैं टैग्स जो कि आपके सामने आपको अभी यहां पर दिख रहे हैं। ये टैग, जो टैग आप देख पा रहे हो ना, ये सारे टैग मेरे रैंक हो रहे हैं। ये टैग क्यों रैंक हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं। टैग लगाने का एक तरीका होता है जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। यूट्यूब पर आओ, यहां पर लिखो कि जैसे मैंने लिखा इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं, ये मैंने लिखा, ये मैंने लिख लिया ना। यहां पर देखो ये सारे जो जितने भी आ रहे हैं इन सब को एक एक करके ऐसे कॉपी करना है, दूसरे को कॉपी करना, तीसरे को कॉपी करना, चौथे को कॉपी करना, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप कहीं पर नोट कर लेना इसे, ये नोट करके सेव कर लेना, और इसी को आपको अपने डिस्क्रिप्शन में टॉपिक कवर ऊपर लिखने के बाद नीचे लिखना है और टैग में जाकर लगाना है। ये जिस कैटेगरी का भी आपका चैनल हो उस कैटेगरी का आपको सर्च करना है यहां पर उस टाइप का टाइटल, राइट। आपको पता चल गया होगा कि टैग कैसे लगाते हैं। टैग हो गया आपका, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब बारी आती है आपके थंबनेल की। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा थंबनेल जो बनाते हैं वो थंबनेल बनाते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है। मैं अपने चैनल पर लेकर चल रहा हूं, आपको देखो यहां पर मैं अपने चैनल पर आता हूं और चैनल पर आने के बाद एनालिटिक्स ओपन करता हूं। यहां पर मैंने एनालिटिक्स अपना ओपन कर लिया है। एनालिटिक्स ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पर आप मेरा अभी दो महीने पुराना, एक दो तीन महीने पुराना आपको एक थंबनेल दिखाता हूं। ये थंबनेल है, ये थंबनेल मेरा थोड़ा सा क्लिकबेट थंबनेल है। क्लिकबेट किसे कहते हैं, वीडियो में जो चीज है वही थंबनेल पर हो लेकिन थंबनेल में थोड़ा कोई ऐसा वर्ड यूज कर दो कि क्लिक कर जाए बंदा। जैसे मैंने यहां पर क्या बताया, मैंने यहां पर बताया देखो लिखा है रीयूज्ड कंटेंट मोनेटाइज ओनली 3 डेज, ओनली 3 डेज रीयूज्ड कंटेंट मोनेटाइज ओनली 3 डेज, 3 दिन में आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ये मैंने बताया है कैसे मोनेटाइज होगा, जब आप अप्लाई करेंगे। ये होता है क्लिकबेट थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल। ये 4 काम आपको अपने चैनल पर करने ही करने हैं जब आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, राइट। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, आपको अपने चैनल पर वीडियो की लेंथ ध्यान में रखकर वीडियो बनाना है। पहली वीडियो बनाओ 5 मिनट की, उसके बाद उस पर अगर व्यूज कम आए तो उसके बाद बनाओ 3 मिनट की, अगर उस पर व्यूज कम आए तो आप बनाओ 8 मिनट की, और इन तीनों में से डिफरेंस आप चेक कर लेना किस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आया है, और जिस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आया हो ना उसी टाइप की वीडियो बनाना स्टार्ट कर देना। ये काम करोगे ना मजा आ जाएगा। स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, इस टाइप की स्ट्रेटजी कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, गारंटी के साथ कह रहा हूं। व्यूज बढ़ाने का तरीका जो मैं बता रहा हूं, ऐसे अगर आप काम करोगे आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट कितना बेनिफिशियल है, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव मिलेगा अपने चैनल पर। 3 काम बता दिया। पॉइंट नंबर 4, जब भी आप कोई वीडियो बनाइए, कभी भी वीडियो बनाने की सोच रहे हो, अगर YouTube चैनल पर आना चाह रहे हो या फिर YouTube चैनल पर आ गए हो, तो अब कन्फ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कन्फ्यूजन नहीं करना। मतलब कि आपको एक सही डायरेक्शन पता होना चाहिए कि अगर आप न्यूज का चैनल बना रहे हो तो न्यूज की ही वीडियो डालोगे, अगर आप टेक्नोलॉजी की वीडियो बना रहे हो तो टेक की ही डालोगे, अगर आप यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हो तो यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स दो। ये नहीं कि कल किसी की वीडियो देखी थी तो वहां पर 1 मिलियन व्यूज आ गए थे किसी एक रील्स पर, तो उसी टाइप की वीडियो क्यों ना मैं बनाऊं। इस टाइप का बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे ना तो व्यूअर आपका कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, कभी ये कभी वो, क्या देखूं और क्या ना देखूं, ऐसे में चैनल डेड हो जाते हैं। आपको ये काम नहीं करना है जो बताया, नीश, एक नीश कंटेंट पर काम करना है आपको। अब आपको मैं बताता हूं कि आप एक ऐप के थ्रू अपने चैनल पर काम कर सकते हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। एक ऐप का नाम है जिस ऐप को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस ऐप का नाम है VidIQ। इस ऐप से आप फाइंड कर सकते हैं कोई जिस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैंने यहां पर अभी फाइंड करता हूं कीवर्ड पर व्यूज हाउ टू गेट मोर, यहां पर लिखता हूं गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब, लिख दिया मैंने आपके सामने, यहां पर आ रहा है। देखो यहां पर जो मेरा मीडियम साइज यहां पर रैंकिंग का है दिखा रहा है कि कंपटीशन आपका है मीडियम, अगर आप इस टाइटल पर अपनी वीडियो लिखते हो तो। यहां पर लोग सर्च कितना कर रहे हैं देखो,
349,752 लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपको भी इसको एक बार अपने कंप्यूटर में डाल लेना, अपने मोबाइल पर भी डाल सकते हो अगर आपके पास मोबाइल है तो। दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में एक बोनस के तौर पर आपको देने वाला हूं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं वीडियो को टारगेटिंग करना कैसे करते हैं। वीडियो को टारगेटिंग करना सीख लोगे ना तो ये मान के चलो व्यूज 100% 1001% गारंटी के साथ देता हूं आएंगे ही आएंगे। दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूं वीडियो को टारगेटिंग करना कैसे करते हैं, वीडियो को टारगेटिंग करना एक आर्ट है, अपने आप में बहुत बड़ी कला है। इसको टारगेटिंग करने के लिए आपको कीवर्ड, जैसे मान लो आपने एक वीडियो सोचा कि मैं बनाऊंगा एक वीडियो कि रोटी कैसे बनाते हैं, अगर आपने सोचा तो यहां पर आप लिखेंगे रोटी कैसे बनाएं, यहां पर लिखा रोटी कैसे बनाते हैं, खाने वाली चपाती कैसे बनाते हैं। अब यहां पर आपको एक वीडियो दिख रही है 19 लाख व्यूज आए हैं, दूसरी वीडियो दिख रही है 34 लाख व्यूज आए हैं, तीसरी वीडियो दिख रही है आपको 38 मतलब 3.5 लाख 4 लाख समथिंग व्यूज आए हैं। अब इस टॉपिक पर आपको अगर वीडियो बनाना है ना तो इनमें से 3-4 वीडियो आप देख लो, 3-4 वीडियो देखने के बाद ना आपकी ब्रेन जो है ना ब्रेन ये थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, फिर आप इन 4-5 वीडियो को मिलाकर एक वीडियो क्रिएट करो और उसके बाद टैग अच्छे से लगाओगे, कीवर्ड अच्छे से लिखोगे, टाइटल अच्छे से लगाओगे जो मैंने आपको बताया है ना अभी, वीडियो पर व्यूज 101% गारंटी लेता हूं आएंगे, 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं व्यूज 100% आएंगे, ये नोट कर लेना, मैं भी ये ट्रिक यूज करता हूं। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन, अपने चैनल पर ना इंट्रो वीडियो नहीं डालना है कि सबसे पहले आए नमस्कार दोस्तों और ये वो सारी चीजें बोल के चले गए और उसके बाद बोले चैनल को सब्सक्राइब कर लो आए हो तो, इतना बोल दिया मतलब ले गए 30 सेकंड और उसके बाद फिर वीडियो पर आए काम की बातें बताना, नहीं 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 ये नहीं करना है आपको। अब आप 2021 में जी रहे हैं, ये चीजें नहीं कोई देख रहा है, आपके काम की चीजें देखने के लिए लोग आते हैं, अगर आप उनको अच्छी चीजें बताओगे तभी वो देखेंगे, नहीं तो वो कहेंगे जय श्री राम बाय बाय टाटा बाय बाय नमस्ते करके चले जाएंगे। ये चीज ध्यान में रखना कि पॉइंट ये है कि आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब क्या करना है आपको, जैसे आप छोटे छोटे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पर जाकर उनके चैनल पर कमेंट करो, कमेंट करके आप उनको बताओ कि भैया आपकी वीडियो तो अच्छी लगी मुझे लेकिन क्या आप मेरे चैनल पर भी जाएंगे, एक बार मेरी वीडियो देखेंगे क्या, अगर आपको कोई कमी लगे तो जरूर मुझे बताना। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने चैनल पर ये काम करते हो दिन भर में एक टारगेट सेट कर लो, एक गोल सेट कर लो कि आज दिन भर में मैं 20 चैनल पर कमेंट करूंगा और 20 चैनल के कमेंट पर जाकर उनके वीडियो को लाइक करके देखूंगा और उन्हें कमेंट करके बताऊंगा भी कि क्या आप मेरे वीडियो पर आएंगे। अपने लेवल के चैनल पर जाना, अपने लेवल के चैनल पर जितना मान लो आपका 5000 बेस है तो 5000 वाले चैनल पर चले जाना, वहां पर उनसे बात करना, कम्युनिटी बिल्ड करो। कम्युनिटी बिल्ड करना मतलब समझते हो ना, अभी आगे आपको बता रहा हूं, पूरा वीडियो देखोगे मजा आ जाएगा, लाइक कर दो अगर नहीं किए हो तो, लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पॉइंट नंबर 9, कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी बिल्ड करना क्या मतलब, कम्युनिटी बिल्ड करने का मतलब यह हुआ कि आप कोई जो वीडियो में वैल्यू दे रहे हैं ना उस वैल्यू से रिलेटेड एक इंस्टाग्राम पर भी पेज बनाइए, वहां पर लोगों को जोड़िए, अपने यूट्यूब पर से फॉलोवर जो आपके हैं यूट्यूब के सब्सक्राइबर उनको लेकर जाइए इंस्टाग्राम पर, उनसे बातें करिए। मैं दिन भर में आपको बता रहा हूं 50 से ज्यादा लोगों से बात करता हूं इंस्टाग्राम पर, दिन में जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूं, अपने सभी मित्रों से बात करता हूं और जिनके प्रॉब्लम होती है कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता हूं या फिर उन्हें बता देता हूं कि ये चीजें करनी है आपको। 50 से ज्यादा लोगों के चैनल चेक करने का एक दिन में अगर मैंने टारगेट ले रखा है तो आप 20 चैनल तो ले ही सकते हैं, 50 चैनल तो ले ही सकते हैं, कुछ तो करिए, कुछ जरूर करिए। अगर व्यूज पाना है ना तो वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी काम को करने के लिए, राइट। और इस पॉइंट पर आपको क्या काम करना है, अगर आप मोबाइल से यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो मोबाइल से आप यूट्यूब पर जाइए, YT स्टूडियो में जाइए, वहां पर एनालिटिक्स में जाइए, एनालिटिक्स में जाने के बाद रीच वाले ऑप्शन पर जाइए, रीच वाले ऑप्शन पर जब जाएंगे ना तो वहां पर आपको वीडियो दिखेगी टॉप सजेस्टिंग वीडियो, जब आप टॉप सजेस्टिंग वीडियो को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यूट्यूब आपकी किस वीडियो को सजेस्ट कर रहा है, फिर आपको उसी टाइप की वीडियो बनानी है अपने चैनल पर, उस टाइप की वीडियो बनाओगे ना ग्रो कर जाओगे, ये ध्यान में रखना। ये 10 पॉइंट आपको जो मैंने आज बताया है इन पॉइंट को कर लेना। एक बोनस में पॉइंट और बता देता हूं कि इंस्टाग्राम यूट्यूब या फिर आप टेलीग्राम फेसबुक इन सभी जगहों पर अपनी वीडियो को
बेधड़क शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर करना है करिए, क्योंकि वहां से ट्रैफिक आप जनरेट करेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूं, शेयर मैं इसलिए बोल रहा हूं करने के लिए कि अगर आप मान लो 50,000 वाले एक ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में अपनी वीडियो को शेयर करते हो, 20 लोगों ने क्लिक किया, उनमें से 12 लोगों ने देख लिया, 8 लोगों ने नहीं देखा, तो 12 लोगों की तो ऑडियंस रिटेंशन आएगी ना आपके चैनल पर। उस ग्रुप को फॉलो करना जिस टाइप का आपका चैनल हो, यह जरूर ध्यान रखना। यह थी आज की इस वीडियो की पूरी स्ट्रेटजी। दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। एकदम पावरफुल मूड में आ चुका हूं, आपके लिए लेकर आने वाला हूं बहुत सारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप स्टोरी डालकर पैसे कैसे कमा सकते हैं, और उसके बाद भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि 1000 फॉलोवर आप कैसे बढ़ा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जो कि मैंने किया है। 1 महीने के अंदर 1000 से ज्यादा फॉलोवर बढ़ाए हैं। कैसे बढ़ाए हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्या क्या करना पड़ता है, आप कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं या फिर आपको पैसे लगाने होंगे, और आप क्या काम इंस्टाग्राम पर करें जिससे लोग आपसे जुड़े, आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।